हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिरिकल बैलेड्स विच वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसकी जो फर्स्ट एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1798 में, और इसका जो सेकंड एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1800 में। इसको रोमांटिक मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। लिरिकल बैलेड्स को 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इकट्ठे पब्लिश किया था, बट उस पब्लिकेशन में किसी का भी नाम नहीं था। इस एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई टिंटन एबे और कॉलरिज के द्वारा लिखी गई द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ऐड थे। स्टार्टिंग होती थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से एंड एंड था विद टिंटन एबे। सेकेंड एडिशन जो है इसका पब्लिश हुआ था 1800 में, एंड इट लिस्टेड विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन ऑथर एंड इंक्लूडेड ए प्रीफेस टू द पोएम। इस प्रीफेस में ही हैज यूज्ड रियल लैंग्वेज ऑफ मैन रादर देन 18th सेंचुरी वर्ड्स। इसमें टोटल पोएम्स हैं 23, जिसमें 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं और 4 जो है इसमें एस्ट्री कॉलरिज के द्वारा लिखी गई हैं। और इसके सेकेंड एडिशन में सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक और पोइम को ऐड किया गया था। 1800 वाले एडिशन में प्रीफेस भी ऐड था। इसका एक और एडिशन आया 1802 में, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया एक अपेंडिक्स टाइटल्ड पोएटिक डिक्शन, जिसमें ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फोर्थ इन द प्रीफेस इन एडिशन ऑफ 1802। French Revolution had a greater influence on lyrical ballads. The poem The Convict by William Wordsworth was there in 1798 edition but was omitted in 1800 edition. Added love by Samuel Taylor Coleridge. In the preface, William Wordsworth claims that the rigid aesthetics of neoclassical poetry are arbitrary and distort the freedom and naturalness of poetic expression. 1798 का जो एडिशन था इसमें एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट थी एज एन इंट्रोडक्शन टू असर्टेन हाउ फार द लैंग्वेज ऑफ कॉन्वर्जेशन इन द मिडिल एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी इज अडेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ पोएटिक प्लेजर। इन लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ सेड पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। इसका जो प्रीफेस है उसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। लास्ट एंड फोर्थ एडिशन 1805, हमें याद रखना है कि इसके 4 एडिशन आए थे। जो फर्स्ट था दैट वॉज 1798 एडिशन, सेकेंड एडिशन जो था वो था 1800 एडिशन, थर्ड एडिशन 1802 एंड द लास्ट एंड फोर्थ वॉज 1805। लिरिकल बैलेड्स टॉक्ड अबाउट पोएट्री, पोएट एंड लैंग्वेज। क्या पर्पस था विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स लिखने के पीछे? जो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था लिखने का, आर्टिफिशियल लैंग्वेज और डेकोरेटेड लैंग्वेज को यूज़ करना, उसको ब्रेक करना, ये उनका एक पर्पस था। सेकंड इज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस जो हैं लिखने के लिए वो कॉमन लाइफ में से चाहिए। फीलिंग्स जो हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लॉट। जो पोइट्री का जो प्लॉट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द फीलिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कॉमन मैन यूज़ करते हैं, हम्बल होनी चाहिए, रस्टिक पीपल के द्वारा जो है यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। रिच वोकैबुलरी जो है नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए। पोइट्री है, इट शुड हैव अ क्लोजर कनेक्शन टू नेचर। एंड ऑफ पोइट्री शुड प्रोड्यूस एक्साइटमेंट। फेमस लाइन्स जो हैं लिरिकल बैलेड्स में जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, जिसको हम डेफिनेशन भी बोलते हैं पोएट्री की बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो लाइन्स हैं ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेड्स, और इसी को हम डेफिनेशन भी बोलते हैं पोएट्री की बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डॉक्टर विलियम डार्विन, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा कि इनकी पोएट्री जो है वो उसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज पावरफुल फीलिंग, सेकंड इज ट्रैंक्विल असेसमेंट, मींस कि जो पोएट्री है वो इमोशन बेस्ड है। थर्ड इज इट इज रीडर सेंटर्ड नॉट प्लॉट सेंटर्ड। नाउ नेक्स्ट इज कि पोएट क्या होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट की डेफिनेशन में क्या कहा है, ए मैन स्पीकिंग टू मैन, मीन्स जो एक मैन, यानी कि पोएट की बात हो रही है कि एक ऐसा मैन जो सभी से बात कर रहा है, सभी कौन हुए रीडर्स, की अपनी पोएट्री के थ्रू एक पोएट जो है अपनी पोएट्री के थ्रू अपने रीडर्स से बात करता है। पोएट क्या होना चाहिए, पोएट शुड बी मोर सेंसिबल एट द यूज ऑफ वर्ड्स, ही शी मस्ट हैव ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। नाउ वी विल डिस्कस वर्क्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कॉलरिज इन लिरिकल बैलेड्स। द वेरी फर्स्ट इज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर,
इट रिमेन्ड इन ऑल फोर एडिशंस, चारों के चारों एडिशंस में ये वर्क रहा था। द फोस्टर मदर टेल ड्रामेटिक फ्रेगमेंट है फ्रॉम सैम्यूल टेलर्स कॉलरिज प्ले इन 1797 ओजोरियो कॉल्ड फोस्टर मदर टेल। द नाइटिंगेल included in 1798 edition, the Dungeon Love added in 1800 edition, and the Convict by William Wordsworth was omitted. When the poem Love was edited by Samuel Taylor Coleridge, in that edition Convict जो William Wordsworth के द्वारा लिखी गई थी वो उसको remove कर दिया गया था। प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्कस करते हैं व्हाट द पॉइंट इज, मींस जो अभी मैंने आपको बताया, ए मैन स्पीकिंग टू मैन, पॉइट शुड बी मोर सेंसिबल एट द यूज ऑफ वर्ड्स, ग्रेटर नॉलेज होनी चाहिए उसको ह्यूमन नेचर की, तो ये सब इन्होंने बताया। नेक्स्ट इज व्हाट द पोएट्री इज, कि पोएट्री क्या होनी चाहिए, इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स विच टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकोलेक्टेड इन टू ट्रैंक्विलिटी। और थर्ड इज व्हाट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज, पोएट्री की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज जो है होनी चाहिए, जो कि कॉमन मैन जिसको यूज़ करता है, हम्बल एंड रस्टिक पीपल जिसको यूज़ करते हैं, इट शुड नॉट बी हैविंग रिच वोकैबुलरी और इट शुड बी डिफेक्ट फ्री। नाउ वी विल रीड सम फेमस कोटेशंस फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स। फर्स्ट इज नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। Next is rest and be thankful. Third is come, grow old with me. The best is yet to be. Fourth is bliss. It was in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. So these were the famous quotations from lyrical ballads. So this was all about the work Lyrical Ballads. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching this.